ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक की व्याख्या रह गई थी। बीच में 524वें नंबर का जो श्लोक था 260 पृष्ठ पे, असत्पदार्थानुभवेन किंचित् न ह्यस्ति तृप्तिर् न च दुःखहानिः तदद्वयानंद रसानुभूत्या तृप्त सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। असत पदार्थानुभवेन किंचित्, असत यानी पदार्थ यानी दृश्य, दृश्य पदार्थ का अनुभवे सती, सती सप्तमी, अनुभव करने पर कोई न किंचित यानी को किंचित अपि प्रयोजनम नास्ति, कोई भी प्रयोजन सिद्धि होने वाली नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था से ही मिथ्या पदार्थों का अनुभव कर रहे हैं, नाना प्रकार के विषय भोग में लगे हुए, लेकिन आज तक तृप्ति नहीं मिली। इसलिए असत पदार्थ का अनुभव करने से, उसको जो है ग्रहण करने से कोई जो है प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। न ही अस्ति तृप्ति न च दुख हानि, और इससे कोई तृप्ति भी नहीं मिलती। बाल्यावस्था से अनुभव करे क्या तृप्ति हुई, इसलिए राजा ययाति जी का अनुभव है, न जातु काम काम न जातु काम भोगे न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूया एवा भी वर्धते। जो कामना है विषय भोग का, कामना इच्छा भोग विषय भोग से कभी शांत होने वाली नहीं है। जैसे अग्नि में घी डालो तो हविषा कृष्ण वर्तमेव, हवी डालने से घी डालने से अग्नि बढ़ती है, इसी प्रकार विषय भोग से कामनाएं बढ़ती ही जाती है, इसलिए इससे तृष्णा बढ़ती रहती है, इसलिए तृप्ति नहीं है। न चाहे दुखानि, तृष्णा बढ़ेगी दुख की हानि कहाँ से होगी, इसलिए तद अद्वयानंद रसानुभूतिया, इसलिए वो जो अद्वितीय आनंद रूप आत्मा है, सार है, रस है, उसका अनुभव करके, अपरोक्ष अनुभव करके तृप्त तृप्त हो जाओ, सुखम तिष्ठ सुखपूर्वक स्थित हो जाओ, सदात्मनिष्ठ है, सदा आत्मा में निष्ठ होकर के विक्षेप रहित होकर के स्थित हो जाओ। फिर यहाँ पे अब ये शंका होती है कि जब बाह्य व्यापार ज्ञानी का नहीं होगा तो कालक्षेप कैसे होगा, समय यापन, टाइम पास बोलते हैं ना लोग, टाइम पास कैसे करेगा ज्ञानी। इसलिए कई लोग बोलते महाराज आप लोग टीवी भी नहीं देखते क्या, जो है कैसे समय पास होता है आप लोगों का, टीवी भी यहाँ नहीं रखते। तो भाई देखिए, जो आत्मा में रमण करने वाला है ना, उसी में ही मग्न रहता है। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करने व्यापार में ही रम गया, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है वहाँ पे रमा हुआ है, और जो आत्मचिंतन में लगा हो उसी में ही रम जाता है। इसलिए इस बात को दिखा रहे कैसे कालक्षेप करेंगे, श्लोक नंबर 525 भी देख लीजिए। स्वमेव सर्वतः पश्यन् मन्यमान स्वयं स्वमद्वयम् स्वानंदमनुभुञ्जान कालं नय महामते। यहाँ तक छूटा था, आगे हम लोग आज का पाठ आरंभ करें। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पे श्लोक नंबर 532 तक हो गया था,
यहाँ पे बताया गया है महात्मा नित्य सिद्ध प्रमाणे सति भासते, न देशम नापि वा कालम न शुद्धिम वाप्यपेक्षते। तो जो आत्मा है नित्य सिद्ध है, उसका भान कैसे होता है? प्रमाणे सति, प्रमाण होने पर ही इसका भान होता है। जैसे आँख ठीक है तो सामने घट आदि रखा है दिखेगा, प्रमाण ठीक होने पर प्रमेय वस्तु दिखती है। जिस प्रमेय वस्तु के योग्य जो प्रमाण है, उस प्रमाण से वस्तु दिखती है। तब उस वस्तु को देखने के लिए कि बड़े पवित्र देश में रहेगा तभी घट दिखाई पड़ेगा, बड़ा जो है उचित काल होगा, पूर्णिमा होगा, एकादशी होगी तभी दिखेगा, अथवा गंगा स्नान करके आएंगे तभी दिखेगा। बोले नहीं, न देशम ना पी वा कालम न शुद्धिम वाप्यपेक्षते, न देश की अपेक्षा, न काल की अपेक्षा, अथवा न शुद्धि की अपेक्षा। प्रमाण होने पर, होने मात्र से ही आत्मा का भान हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण हो, श्रवण मनन आदि करेंगे शास्त्र वाक्यों का, तो ज्ञान हो जाता है। इसी को दिखा रहे दृष्टांत के द्वारा कि जैसे लौकिक ज्ञान है अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, इसी प्रकार आत्मज्ञान भी अन्य वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रखता, प्रमाण मात्र से ही हो जाता है। प्रमाण और वस्तु होनी चाहिए, इससे हो जाता है। पेज नंबर 262, श्लोक नंबर 533 देख लीजिए। देख लीजिए पहला श्लोक, इसमें 262 पेज पे, देवदत्तो हमित्ते तद् विज्ञानं निरपेक्षकम्। तद्वद् ब्रह्मविदोप्यस्य ब्रह्मामिति वेदनम्। देवदत्तोऽहम् इत्येतद् विज्ञानं निरपेक्षकम्। जैसे कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उसे मैं देवदत्त हूँ इस ज्ञान के लिए बताओ क्या अपेक्षा है। उचित देश, उचित काल, शुद्धि, ये सब किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती, निरपेक्ष ज्ञान है, क्योंकि वह स्वयं ही देवदत्त है, उसके लिए किसी अन्य चीज की अपेक्षा नहीं है। तद्वत् ब्रह्मविदोप्यस्य, इसी प्रकार ये जो ब्रह्मवेत्ता है, उस ब्रह्मवेत्ता को जैसे देवदत्त ज्ञान हुआ, देवदत्त नाम के व्यक्ति को, इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता की अहंता जो है वो स्वरूप में ही केंद्रित है, सदा जो है ब्रह्मामिति वेदनम्, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा वेदन ज्ञानी को होता है, उसके लिए किसी अन्य देश काल इत्यादि की अपेक्षा नहीं है। विस्मरण कभी नहीं होता, विस्मरण होता है लेकिन विपरीत जो है ज्ञान नहीं होता, मैं शरीर हूँ ये हूँ, विस्मरण तो हो जाए भिक्षाटन आदि के समय, जैसे मैं देवदत्त हूँ यह वह व्यक्ति हमेशा याद नहीं रखता, हमेशा है नहीं कि देवदत्त हूँ रटेगा, उस सदा उसे जो है जैसे जैसे तुरंत जैसे सावधान हुआ, हाँ मैं देवदत्त हूँ, कौन हो भाई, मैं देवदत्त हूँ, कोई सोचना भी नहीं पड़ता। तो जैसे वो व्यावहारिक स्वरूप को विषय करने वाला है, वह व्यक्ति व्यावहारिक सत्ता में दृढ़ है, इसलिए व्यावहारिक सत्ता को लेकर के उसे सदा भान होता है कि मैं देवदत्त हूँ, कोई भी पूछा तुरंत बता दिए। लेकिन जो ज्ञानी है पारमार्थिक सत्ता में दृढ़ हो गया है, तो वह स्वरूप ज्ञान उसे सदा जो है रहता है, सदा भान जो है रहता है, विस्मरण मतलब होने पर भी कभी विपरीत ज्ञान नहीं होता, मैं ब्रह्म हूँ इस तरह से तुरंत समाहित होते ही ज्ञान होता है, मतलब अन्य किसी चीज़ों की अपेक्षा उसे नहीं होती। तो फिर यहाँ पूर्व पक्षी को थोड़ा बात जम नहीं रही, वो बोल रहा है भी एक बात बताइए, आत्मा का अनुभावक जो है वो भाषक कुछ तो होगा, आत्मा का प्रकाशन करेगा, लोक में है कोई भी विषय है उसका प्रकाशक, सूर्य की रोशनी में, चंद्रमा की के प्रकाश में, अग्नि के प्रकाश में, जैसे सूर्य चंद्र आदि ये प्रकाशक रूप से माने जाते हैं, आत्मा का भी कुछ न कुछ तो प्रकाशक होगा, कुछ न कुछ अवभाषक होगा, ये शंका हो सकती है। इस शंका के निवारण के लिए अगला श्लोक है, देखिए। भानुनेव जगत सर्वं
भासते यस्य तेजसा। अनात्मकम असत्तुच्छं किंनु तस्यावभासकम्। भानुनेव जगत सर्व, ये दृष्टांत अंश है। जैसे भानु यानी सूर्य, भानुना तृतीया एक वचन, सूर्य के द्वारा यह पूरा का पूरा जगत प्रकाशित होता है, सभी पदार्थ दिखते हैं। मतलब जो भी पदार्थ आपके सामने हो सूर्य के प्रकाश में दिख जाएगा। इसी प्रकार जगत सर्वम यस्य तेजसा, यस्य तेजसा अनात्मकम असत तुच्छम। अनात्म पदार्थ जितने असत है, तुच्छ है, उन सभी का जिस प्रकाश के द्वारा भान हो जाता है पूरे जगत का, जिस प्रकाश के द्वारा होता है वही परमात्मा हमारा स्वरूप है, उसका कोई भाषक नहीं। असा अनात्मकम असत तुच्छम किमनु तस्या भाषा। इस उत्तरार्ध को उत्तरार्ध में ले लीजिए, पूर्वार्ध इतना ले, जैसे सूर्य के द्वारा सभी वस्तुएं प्रकाशित होती है उसी प्रकार यस्य तेजसा जगत सर्वम भासते। जिस तेज के द्वारा नित्य स्फुरण रूपी आत्मा के द्वारा ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के द्वारा आत्मा के द्वारा पूरा जगत प्रकाशित होता है, तो उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रकाशक असत जो अनात्मा है, जड़ है, तुच्छ, वह कैसे प्रकाशक होगा? अनात्मकम असत तुच्छम किमनु तस्यावभासकम, क्या उसका अवभाषक हो सकता है जो अनात्म पदार्थ है, जड़ पदार्थ, तुच्छ पदार्थ? नहीं हो सकता। इसलिए जो है वही उसी नित्य स्फुरण रूपी आत्मा के द्वारा जगत भाषित होता है, अनात्मा उसका भाव प्रकाशक नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का उपासक भी कुछ मान लो ऐसा नहीं कर सकते। अब ये जो बताए कि आत्मा का उपासक प्रकाशक कोई हो नहीं सकता। हाँ जी बोलिए। यथादित्य, यदादित्य, हाँ नहीं तो मतलब क्या वो कह रहे हैं कि आदित्य में जो तेज है वह भी मेरा ही तेज जानो, जो आदित्य में तेज है वो भी मेरा ही तेज जानिए, यानी मेरा ही तेज वहां पे उस साधन के उस आदित्य रूपी उपाधि के माध्यम से वह तेज मेरा ही तेज प्रकट हो रहा है कि नहीं? वो थोड़ी की जो है आदित्य आत्मा का प्रकाशन कर देगा पदार्थों के लिए। अब जैसे चक्षु से आपको रूप देखना है तो अंधेरे में थोड़ी देखोगे, किंतु जो रूप का प्रकाशन चक्षु के, चक्षु तो एक साधन हुआ, चक्षु के माध्यम से अंतःकरण जाएगा विषय देश में, और चक्षु के माध्यम से जाएगा तो वहां चक्षु के द्वारा हो रहा है तो वहां प्रकाश भी चाहिए। लेकिन जो रूपाकार वृत्ति हुई उसको जानने वाला चैतन्य है, तो वृत्ति को जानने वाला, चक्षु को भी जानने वाला है ना, विषय को भी जानने वाला और प्रकाश को भी जानने वाला वह चैतन्य है। इसलिए उस चैतन्य की गति, चैतन्य तक किसी की गति नहीं है। हाँ ठीक है, देख लीजिए। तब ये जो असत है, तुच्छ पदार्थ है, आत्मा का भाषक नहीं है, ये जो बताया गया इसी को श्लोक नंबर 535 में दिखा रहे हैं। देख लीजिए श्लोक नंबर अगला जो 535 है। वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि एनार्थवन्ति तं किं नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्। वेद शास्त्र पुराणानि, देखिए चार तो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, चार वेद जिस विज्ञाता के द्वारा सार्थक है। अगर जानने वाला ना हो तो चार वेद धरा के धरा रहे, जैसे किसी जो है पुराने, जैसे पुराने महल है, पुराने खंडहर है,
किसी महल में 100-1000 वर्ष पहले वेद रखा हुआ। अब जो है वेद तो रखा है वहां पे, लेकिन कोई जो है उस वेद को जानने वाला नहीं, वहां पढ़ने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। तो कोई न कोई विज्ञाता होना चाहिए जिसके द्वारा वेद भी सार्थक हो सकता है। इसी प्रकार शास्त्र, शास्त्र से लिया जाता है 6 दर्शन को, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो वेद हो गया 4, शास्त्र हो गया 6 दर्शन, पुराण से ले लीजिए 18 पुराण, 18 महापुराण है मुख्य पुराण, और 18 उपपुराण भी है, वो भी समझना। तो पुराण और भूत ले लीजिए, देवता आदि, देवता, मनुष्य, असुर, ये जो शरीर, अलग अलग शरीर अवच्छिन्न शरीर वाले हैं विशिष्ट, अथवा भूते, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनको भी ले सकते हैं। सकलान्यपि, तो संपूर्ण वेद, संपूर्ण शास्त्र, पुराण, भूत, सभी पदार्थ एन अर्थवंती, जिस विज्ञाता के द्वारा सार्थक है सभी पदार्थ। तम किम नु विज्ञातारम प्रकाशयेत, उस विज्ञाता को क्या ये सभी प्रकाशित कर देंगे? जिस आत्मा के बिना ये सब निरर्थक हो रहे हैं, ऐसे ये लोग उस आत्मा का प्रकाशन कर देंगे क्या? जैसे जिस बिजली से मशीन चल रही है, वे मशीनें बिजली में कोई सामर्थ्य दे देंगी क्या? नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती। आप भी कहोगे कि नहीं दे सकती। इसलिए विज्ञाता के बिना, है ना, स्वरूप भूत उसका ज्ञान नित्य है, वो स्वरूप भूत ज्ञानात्म रूप है, लेकिन उस उपाधि को लेके विज्ञाता कह देते हैं, तो वो जो है उसका कोई प्रकाशन नहीं कर सकता। क्यों भाषक नहीं है? स्वयं इसी बात को और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। श्लोक नंबर 536, एष स्वयं ज्योतिरनंत शक्ति, रात्मा प्रमेय सकलानुभूति, यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधः, जयत्ययं ब्रह्म विदुत्तमोत्तमः, एष स्वयं ज्योतिर अनंत शक्ति। ये जो आत्मा है स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति एक ही पद है, स्वयं प्रकाश, अनंत शक्ति, अनंत शक्ति वाला है। बोले भाई अभी तो निर्विशेष बता रहे, अनंत शक्ति कैसे कहने लग गए? अरे भाई, नाना प्रकार की उपाधियों को लेकर के अनंत शक्ति वाला हो गया, माया रूपी उपाधि को लेकर के, माया की नाना शक्तियाँ है, सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति, संहार शक्ति, अनुग्रह शक्ति, निग्रह शक्ति। सृष्टि शक्ति से देखो नाना प्रकार के संसार की रचना जो है करती रहती है, करता रहता है आत्मा। स्थिति शक्ति से उसका जो है वैसा नहीं, पैदा होते ही सब मर जाए, पैदा होके नष्ट हो जाए, पैदा होके नष्ट हो जाए। संसार अगर स्थिर नहीं रहेगा तो भी जीव को भोग नहीं मिल सकता, इसलिए स्थिति शक्ति जो है पालन करती है, स्थिर बनाए रखती है कुछ समय के लिए। संहार शक्ति देखो नाना प्रकार के जो है उससे संहार होते रहता है, नए पुराने होते रहते हैं। निग्रह शक्ति जो है निग्रह देवदानों का निग्रह करने के लिए, उस निग्रह शक्ति के माध्यम से परमात्मा नाना प्रकार के अवतार ले लेते हैं, और अनुग्रह शक्ति से नाना प्रकार के महापुरुषों के रूप से अवतार लेकर के कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर, सज्जनों के ऊपर। तो अनंत शक्ति वाला है, ये तो विभाग कर दिया गया, अलग अलग व्यक्ति लीजिए तो अनंत शक्ति है। अब देखिए जितने जीव है सब में क्या एक विलक्षण जो है किसी ने, हर एक में कुछ न कुछ गुण दिखता है, तो इसलिए विविध सामर्थ्य से उपेत है, युक्त है आत्मा। ऐसा आत्मा अप्रमेय, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है, सकलानुभूति, सभी का अनुभव स्वरूप है, सबको जानने वाला अनुभव स्वरूप, सबका प्रकाश रूप है। तो जिस आत्मा को विज्ञाय, अब बताओ
उसको जानने से जब सब मुक्ति हो रही है, अब बताओ उसको कौन प्रकाशित करता है, कर सकता है? तो यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधः, जिसको जान करके विमुक्त बंध हो करके विमुक्त ब्रह्मविद उत्तमोत्तम ब्रह्मवेत्ताओं में उत्तम से भी जो उत्तम है। एक तो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को जानता है, स्वरूप को जो जान लिया वो ब्रह्मविद हो गए। उनमें जो भी जो उत्तम है उससे भी जो उत्तम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। तो जिस आत्मा को जान करके विमुक्त बंधा बंधन से रहित हो करके अयम जयति, या ज्ञानी जयति यानी उत्कर्षम आलंबते, उत्कर्ष को प्राप्त कर लेते हैं, सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। ज्ञानी से बढ़कर के कौन है यहाँ पे, है ना? इसलिए तो वो जिस आत्मा को जान करके विमुक्त हो गए, उत्कर्ष को आलंबन कर लिए, ऐसी आत्मा बताओ किसका जो है विषय बनेगा, वह सर्व अनुभव रूप है। क्या इस श्लोक में ब्रह्मविद ब्रह्मविद उत्तमोत्तम ब्रह्मवेत्ताओं में जो उत्तम है उससे भी जो उत्तम है, ऐसा कहा? उत्तम से भी उत्तम कैसे कह दी? तब देखिए इस बात को सिद्ध कर रहे, उत्तम से भी उत्तम कैसे कह दिए ज्ञानी को, इस बात को अगले श्लोक में 537 नंबर श्लोक देखिए। न खिद्यते नो विषय प्रमोदते, न सज्जते नापि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं, निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः, न खिद्यते नो विषये प्रमोदते। जो ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा नहीं कि कुछ कहीं भिक्षा में गए तो भिक्षा नहीं मिली तो बड़ा दुखी हो जाएंगे कि आज का दिन बेकार गया। जैसे कोई आदमी है किसी धंधे पे अपने गया, जो भी व्यापार आदि करता है, कुछ तो कुछ जो है घाटा हो गया अथवा कुछ लाभ नहीं उस दिन, तो बड़ा खेद होता है उसे। अरे आज किसका मुंह देख के निकला था मैं, ऐसा भी बोल देते हैं लोग कि आज किसका मुंह देख के निकला कि आज मुझे ऐसा दुख मिला, तो खेद हो जाता है व्यक्ति, बड़ा जो है निराश भी होता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष भिक्षा मिले, वस्त्र मिले, कुछ भी मिले चाहे ना मिले, खेद नहीं करता, दुखी नहीं होता। फिर बोले अच्छा तो विषय मिलने पर तो सुखी हो जाएगा, कोई चढ़ा दिया दक्षिणा आदि तो सुखी हो जाएगा, बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। बोले नो नो विषय प्रमोदते, विषयों से बहुत ज़्यादा प्रमुदित भी नहीं हो जाता ज्ञानी। कि कोई जो है बहुत भोजन आदि मिल गया, बहुत अच्छा भोजन मिला, बहुत वो मिल गया, कपड़ा आदि मिल गया, किसी ने कुछ ला के माला पहना दिया, इससे प्रमुदित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। विषयों से वह प्रसन्न भी नहीं हो जाता, एक रस रहते हैं। न सज्जते नापि विरज्यते, ना तो कहीं आसक्त होते हैं, ऐसा नहीं कि रास्ते में जा रहे थे कोई मिल गया बताने लगा मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अब ज्ञानी का जो पूर्वाश्रम है वो उसको मालूम पड़ा कि वही है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे भारी भाई मैं भी वही का हूँ चलो बात करते आपस में, ऐसा कोई जो है आसक्त नहीं हो जाता कहीं कि मैं वही का हूँ, यहाँ का हूँ, ऐसा हूँ, वहाँ रहता था, ये रहता था। तो ना सज्जते ना भी विरज्जते, ना कहीं आसक्त होता है, कहीं जो है संग भी नहीं कर लेता, ना भी विरज्यते, दुख का साधन देख करके विरक्त हो जाएगा, सांप आदि आ गया तो जो है बड़ा उद्विग्न हो जाएगा, बड़ा जो है ऐसा भी नहीं। तो फिर करता क्या है? बोले स्वस्मिन सदा क्रीडति, बाह्य क्रीड़ा से उपरत हो करके स्वरूप में ही सदा क्रीड़ा करते रहते, उसी में रमण करते हैं, नंदति उसी में समृद्ध हो जाते हैं, तो नदी समृद्ध हो, उसी स्वरूप में ही क्रीड़ा करते, उसी स्वरूप में ही समृद्ध हो जाते हैं, तो स्वयं निरंतर आनंद रसेन लिप्त, स्वयं निरंतर आनंद रस से सार से
तृप्त होकर के कृतार्थ होकर के स्वरूप में ही क्रीड़ा करते रहते, स्वरूप में ही समृद्ध रहते हैं, अन्य जो है चीजों से की अपेक्षा से रहित हो जाते। इसलिए वो ब्रह्मज्ञानियों में उत्तम से भी उत्तम कह दिया गया। तब यहां ये शंका कर रहे कि आपने कहा कि ब्रह्मज्ञानी स्वरूप में क्रीड़ा करते रहता है, क्रीड़ा करते का क्या मतलब है? खेलता है, क्रीड़ा नहीं खेलना, जैसे आजकल फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो ब्रह्मज्ञानी का क्या क्रीड़ा करेगा? तो ब्रह्मज्ञानी की क्रीड़ा को समझाने के लिए श्लोक नंबर 538 देखिए। क्षुधां देह व्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी। क्षुधां देह व्यथां त्यक्त्वा, जैसे देखिए बालक क्रीड़ति वस्तुनि, जैसे देखिए किसको ही बालक है, उसको भूख लग गई है, अभी उसकी माँ जो है भोजन बना रही है, थोड़ा समय है, थोड़ा 15-20 मिनट का समय लगेगा भोजन बनने में, तो रो रहा है, माँ खाना दो खाना दो, तो जो है उसको 15-20 मिनट का समय उसको थोड़ा सा बाद में देना है, तो उसकी माँ जो है उसे कोई गेंद आदि दे देंगी, कोई बहुत चमकदार वस्तु दे देगी, तो उसी से खेलने लगता है, वो भूख को थोड़े समय के लिए भूख भूल जाता है, उसी वस्तु में आकर्षित हो जाता है और उसके साथ वो खेलने लगता है। तो जैसे वह बालक अपनी क्षुधा को यानी भूख को भूल करके उस गेंद के साथ क्रीड़ा करने लगा, अथवा किसी खिलौने के साथ वो क्रीड़ा करने लगा, अथवा दूसरा दृष्टांत देह व्यथाम, उसके सर बालक के शरीर में पीड़ा है, कोई फोड़ा आदि निकल गया है, तो वो बहुत चिल्ला रहा है, तो उस काल में भी अगर कुछ आकर्षक वस्तु दे दे, कोई खिलौना आदि दे दे, तो उससे खेलने लगता है, थोड़े समय के लिए भूल जाता है। तथा वह विद्वान रमते, इसी प्रकार विद्वान भी शरीर की स्थिति को और भूख प्यास आदि को छोड़ करके, वो सबसे आकर्षक वस्तु क्या है? आत्मा ही है, जिस आत्मा में जो है समाहित हो गया, तो कोई जो है सांसारिक दुख सुख आदि नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसी आत्मा में ही निर्ममो निरहंग, ममता से रहित होकर के, अहंकार से रहित होकर के, सुखी होकर के उसी आत्मा में विद्वान रमण करते हैं। जैसे बालक के समान, बालक वस्तु के साथ क्रीड़ा करता है गेंद आदि के साथ, विद्वान स्वरूप में ही रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, अहंकार और ममता से रहित होकर के, भूख प्यास आदि से परे होकर के, परीक्षा प्रारब्ध से जो है प्रेरित होकर के भले भिक्षाटन आदि कर ले, लेकिन जो है प्रायः उनका रमण आत्मा स्वरूप में ही होता है। ते क्रीड़ा, क्रीड़ा का मतलब ये हो गया, क्रीड़ा का अर्थ देखिए यहाँ बहुत अच्छे से समझा दिए। फिर यहाँ ये शंका हो रही है कि वो रमण का, अच्छा रमण क्या है, रमण क्या चीज है भाई, रमते विद्वान रमते, तो रमण क्या कहते हैं, रमण किसे कहेंगे? इसको दिखाने के लिए श्लोक नंबर 539 देखिए। चिंता शून्य मदैन्य भयक्षमशनं पानं सरिद्वारिषु स्वातन्त्रेण निरंकुशा स्थितिरभिर् निद्रा श्मशाने वने वस्त्रं क्षालन शोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्यामही।
संचारो निगमांत वीथि सुविदां क्रीड़ा परे ब्रह्मणि देखिए यहां विद्वान का रमण क्या है। चिंता शून्य मदैन्य भयक्षम असनम, चिंता से रहित हो करके अदैन्य भयक्षम असनम। जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति है, चिंतन में रहता है कि भाई आटा दाल, आटा खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है, दाल। इसलिए कई लोग आपस में कहते हैं ना कि जरा अभी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आई, नहीं तो आटे तेल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ऐसे लोग मजाक लेते हैं। तो मतलब क्या है कि गृहस्थ व्यक्ति को तो चिंतन होता है कि आटा खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है, सब्जी खत्म हो रही है, इसको लाना है, ये लाना है, तो वो चिंतन में रहता है। लेकिन यहाँ कह दिए को ज्ञानी का कैसा है, उसे आटा दाल की चिंता थोड़ी है। भिक्षा का भोजन करते हैं तो चिंता शून्यम, चिंता से रहित उनका अदैन्य भयक्षम असनम, दीनता से रहित भिक्षा रूपी भोजन। चिंता से शून्य, दीनता से रहित भयक्षम, भयक्ष रूपी भिक्षा रूपी असन। भिक्षा एवं भयक्षम, स्वार्थ मेढ़ हो जाता है तो भयक्षम बन जाता है। तो दीनता से रहित भिक्षा रूपी भोजन है। अब दीनता से रहित अदैन्य क्यों बोल दिए? बात ऐसी है कि जब तक अहंकार बना हुआ है, व्यक्ति अपने से बड़े के आगे दीनहीन हो जाता है। जैसे आपके अंदर, किसी के भी अंदर कि धन का अहंकार हो, उससे ज्यादा जो धनी, बड़ा धनी आएगा उसके सामने वह दीन हो जाता है। किसी को रूप का अहंकार है, उससे ज्यादा रूप वाला हो जाएगा उससे जो उसके सामने वो दीनहीन हो जाता है। तो इस तरह से जो अहंकार से जो है दीनता आती है, इसलिए यहाँ कह दिए कि अहंकार रही है, भिक्षा का भोजन कर दे, भिक्षा का भोजन कर, अपनी सबसे छोटा वही है, जो सामने मांगने वाला है वही सबसे छोटा है, उसमें क्या अहंकार है। इसलिए एक बार काशी में गया था तो थोड़ा बीमार सर, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो रामकृष्ण मिशन में काशी में लक्षा रामकृष्ण मिशन गया आश्रम में दवाई लेने के लिए। तो वहाँ जो एक महात्मा जी थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनके यहाँ लाइन लगी थी बहुत। तो थोड़ा के बात कर रहे थे कि बोले मैं तो कभी कभी, वो बता रहे थे कभी कभी जो है भंडारे में जाता हूँ। वो बड़े डॉक्टर जो सबसे बड़े है MBBS, वो कह, तो मतलब बहुत लंबी उनके पास लाइन लगी हुई। तो मतलब ऐसे डॉक्टर बता रहे कभी कभी मैं भंडारे में जाता हूँ, इससे कि जो है थोड़ा सा मेरा अहंकार अहंकार न हो, अहंकार को मिटाने के लिए जाता हूँ। इसलिए मतलब क्या, भिक्षा का जो भोजन है उसमें अहंकार मरता है, और अहंकार मर गया तो व्यक्ति के अंदर दीनता नहीं रह जाती। जब तक अहंकार है दीनता बनी रहती है। इसलिए आज विशेषण दिया गया अदैन्य भयक्षम असनम, दीनता से रहित, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं ज्ञानी के अंदर, इसलिए दीनता से रहित भिक्षा रूपी जो भोजन करते हैं। और पानम सरित वारिशु, ऐसा नहीं कि बिस्लरी का बिस्लरी वाटर लाओगे तभी पीऊंगा। तो जो बहुत महंगे महंगे आजकल तो पानी जो है मिलता है कहीं अलग अलग, वो सब नहीं, सरिद्वारी नदी के जल को ही पीते हैं। नर्मदा किनारे हैं, भ्रमण में रहते हैं, नर्मदा का ही जल पीते हर जगह। गंगा का पानी यहाँ तो बहुत ठंडा रहता है, पी लो तो गला बैठ जाएगा, बाकी वैसे ही पानी पीते हैं, और क्या कौन सा यहाँ पे बिस्लरी का पानी पिएंगे। इसलिए सरिद्वारी नदी के जल आदि में पानी पी लेते हैं। स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थितिर, स्वातंत्र से स्वतंत्रता पूर्वक निरंकुश, ऐसा नहीं कि यही रहना पड़ेगा। तो ज्ञानी जो है कहीं भ्रमण में आज इधर है, कल कहीं दूसरी जगह पहुंच गए। निरंकुश, अंकुश से रहित, तो उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं, ऐसी निरंकुश स्थिति। रभी भय से रहित निद्रा, अभीर निद्रा भय से रहित निद्रा, श्मशाने बने, श्मशान में अथवा वन में। तो देखिए, श्मशान से दो चीजें समझनी चाहिए,
पहली बात तो श्मशान है जहाँ मुर्दे जलते हैं, वो भय का हेतु है। साधारण व्यक्ति जाने से वहाँ डरता है, एकांत में श्मशान होते हैं वहाँ जाने से व्यक्ति डरेगा। पहली बात तो भय का हेतु है। दूसरी बात क्या है, श्मशान में रहने से वैराग्य जो है बना रहता है, वैराग्य का उद्बोधक माना जाता है श्मशान। तो भय से रहित श्मशान में वो सोते हैं अथवा वन में, एकांत प्रदेश में। जरूरी थोड़ी श्मशान में ही सोए, कहीं वन में भी रह सकते हैं एकांत में रहने का मतलब। अन्यत्र अन्य ग्रंथों में आता है कोई जो है ऐसा साधक जो है कहीं खंडहर आदि में, जहाँ पुराने मंदिर हो, जहाँ लोग आते जाते कम हो, ऐसे जगह पे रहे। तो यहाँ ज्ञानी जो है श्मशान में अथवा वन में। वस्त्रम छालन शोषण आदि रहितम, जो कपड़ा कैसा पहनेंगे, छालन शोषण आदि से रहित। ऐसा नहीं कि बार बार सुबह धो दिए फिर शाम को धो दिए सुखा दिए, ऐसा नहीं। एक ही कपड़ा है तो कहाँ बार बार धोएंगे, कहाँ बार बार सुखाएंगे। हाँ, तो इसलिए वस्त्रम, एक जगह रहने से तो संग्रह हो ही जाता है। इसलिए पहले महात्मा भ्रमण लोग बहुत करते थे, एक जगह रहने से तो कितना भी निषेध करो। जैसे कई बार यहाँ लोग देने अकेले आते हैं, बारम्बार निषेध किया जा रहा, भाई बहुत हो गया बहुत हो गया, कोई कपड़े की दुकान खोलेंगे क्या हम लोग। तो बहुत जो है निषेध करने पर भी अब कोई ऐसे व्यक्ति आ जाता है, मना भी नहीं कर सकते। तो अब भ्रमण में रहने से तो ये अवसर नहीं रहता है, छालन शोषण आदि से रहित, कपड़ा धोना सुखाना आदि से रहित। एक ही कपड़ा है, कहाँ बार बार करें। और बहुत ज़्यादा लेके चलो तो जो है उसमें स्वयं ही परिश्रम गधा बनना बन के कौन चलेगा। अथवा दूसरा विकल्प दे दी, दिग्वास्तु, बिना कपड़े के दिगंबर होके घूम रहे वहाँ। कहाँ सोते, शैया मही, शैया उनके लिए बिस्तर क्या है, मही यानी पृथ्वी। और संचार क्या, कहाँ करते, संचारो निगमांत वीथिसु, निगम यानी वेद, निगमांत यानी वेदांत, वेदांत की वीथि में, गलियों में, वेदांत वाक्यों में उनका संचरण होते रहता है। सदा वेदांत वाक्यों का जो है चिंतन करते रहते हैं। ओमकारेश्वर के महाराज जी आखिरी समय में कभी जो है शरीर इस तरह से कुछ हो गया था कि वो बेहोश भी हो जाए तो भी वो उनके मुख से यही वेदांत के ही वाक्य निकलते रहते थे। उस अवस्था में वो संस्कृत में ही बोलते थे, संस्कृत में उनके मुख से जो है उस निकलते थी वाणी। तो संचारो निगमांत वीथिसु विधाम, विद्वानों का जो संचरण है निगम, वेदांत की गलियों में, वेदांत के वाक्यों में ही विचरण होते रहता है। क्रीड़ा परे ब्रह्मणी, इस तरह से देखिए किसी भी प्रकार की अपेक्षा से नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दीनता नहीं, स्वतंत्र रूप से स्थिति है। तो मतलब कोई विक्षेप का हेतु नहीं होने से सदा ब्रह्म में ही उनका, उनकी क्रीड़ा होती है, ब्रह्म में ही रमण होता है। ये जो बात है कि रमण क्या चीज है ये यहाँ दिखा दी। अगला श्लोक भी देखिए। हाँ जी बिल्कुल, शार्दूल विक्रीड़ित छंद है 22, यानी वो होता है ना 12 और 7, 12 अक्षर और 7 अक्षर। अगला श्लोक भी देख लीजिए। विमानमालंब्य शरीर में तत् भुनक्त्यशेषान विषयान उपस्थितान परेच्छया बालवदात्मवेत्ता यो व्यक्त लिंगो ननुसक्त बाह्य आत्मवेत्ता एतद् शरीरम विमानम आलभ्य। जो आत्मज्ञानी है इस शरीर रूपी विमान का आलंबन करके, जैसे विमान में बैठते हैं, विमान में बैठ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे, ये शरीर ही विमान है। क्योंकि साधारण व्यक्ति तो अपने आप को शरीर रूप मानता है, ज्ञानी तो अपने आप को शरीर अलग, मैं अलग, शरीर में मैं व्यवहार कर रहा हूँ। नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं, नवद्वार वाला ये पुर है, इसमें निवास कर रहे उस कुछ समय के लिए प्रारब्ध की वजह से यहाँ पे
उपस्थिति है, तो इस शरीर रूपी विमान का आलंबन करके परीक्षया परीक्षा प्रारब्ध से परीक्षा से परमात्मा की इच्छा से अशेषान विषयान उपस्थितान भुनक्ति, अशेष जितनी अन्नपान आदि जो विषय है उपस्थित है, अशेष विषय मतलब अन्नपान आदि ये विषय है, इन उपस्थित विषयों को ज्ञानी बालवत भुनक्ति, जैसे बालक जो है आसक्त नहीं होकर के भोग करते हैं, इसी प्रकार वह भोग करते हैं। यो व्यक्त लिंगो अनुसक्त बाह्य, जो ज्ञानी अव्यक्त लिंग अव्यक्तम लिंगम यस्य, यानी जो वर्ण आश्रम आदि चिन्ह से रहित, इसलिए कई जगह आता है कि अन्यत्र सन्यासी के लिए निषेध किया गया कि वर्ण आश्रम आदि की चर्चा अपने नहीं न करें। एक श्लोक आता है, नाम गोत्रादि चरणम देश कालम श्रुतम कुलम शीलम वृत्तम वयम पूर्वम ख्यापयेत नैव सद्यति, जो सद्यति मतलब उत्तम सन्यासी है, इन चीजों का ख्यापन न करे कि पूर्व काल में क्या नाम था, क्या गोत्र था, कौन सी शाखा थी, किस देश में पैदा हुआ, किस काल में हुआ, कितना मैंने घर में पढ़ाई किया, ये सब जो है बहुत ये न बताए। कुलम किस कुल में पैदा हुआ, क्या शील सदक, क्या शील वृत्त है ना, ये सब जो है क्या करता था, कितनी आयु हो गई, ये सद यति उत्तम यति, इन सब बातों का ख्यापन न करे, ऐसा आया है। तो बस देखिए यहाँ यही बात बता रहे, यो व्यक्त लिंगो अननुसक्त बाह्य, जो व्यक्त लिंग वाला नहीं, जो वर्णाश्रम आदि का व्यंजन नहीं कि मैं इस वर्ण का कोई जो कुछ बात हुई किसी ने डांट दिया, जैसे लोग जो है भ्रमण में रहते इस महात्मा लोग, किसी ने डांटा रे क्या जो है तुम शूद्र की तरह घूम रहे हो, तो तुरंत नाराज होगा, अरे शूद्र कहते हो, मैं सरयूपारिण ब्राह्मण हूँ, सरयूपारिण ब्राह्मण हूँ, शूद्र बोल रहे मुझे नाराज हो गए बताओ मैं सरयूपारिण ब्राह्मण, मुझे तुम शूद्र बोल रहे हो तो बोले ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए, जरा जरा सी बात पे सरयूपारिण ब्राह्मण हूँ मैं ये सब नहीं बताना चाहिए। तो अव्यक्त लिंगो, जो व्यक्त लिंग वाला ने अनुसक्त बाह्य 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 विषयों में चित्त जो है लगा के ना रखे, लगा के नहीं ये स्वभाव है, लगा के नहीं रखता, इस तरह से ज्ञानी का रमण इसीलिए है, मतलब परीक्षा प्रारब्ध से जो विषय उपस्थित हुआ उसको जो है राग द्वेष से रहित हो करके उनका सेवन किया, इसी से शरीर स्थिति होगी, और जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर तो रहता है। अगला श्लोक भी देखिए, ये जो आया बालवद परीक्षया बालवद आत्मवेत्ता, तो ये बालपद उपलक्षण है, केवल बालक के जैसा ही रहे कोई नियम नहीं है, कई प्रकार से ज्ञानी देखे गए हैं, कई प्रकार से उनका आचरण देखा गया है, तो ये उपलक्षक मानना, इसी बात को अगले श्लोक में दिखा रहे हैं। दिगंबरो वा पिच सांबरो वा त्वगंबरो वापि चिदंबरस्थः उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा पिशाचवद्वापि चरत्यवन्याम् दिगंबरो वापि च सांबरो वा, वह ज्ञानी पुरुष दिगंबर होके भी विचरण कर सकते हैं, अवनी यानी पृथ्वी में विचरण कर सकते हैं, सांबरोवा अथवा कपड़े पहन के भी विचरण कर सकते हैं, अथवा त्वगंबरोवापि, त्वगंबर मृग चर्म आदि पहले जो है बहुत सेवन करते थे, आजकल तो जो है मृग चर्म आदि अगर लेके जा रहे हैं तो पुलिस भी पकड़ सकती है कि कहाँ से लाए। एक बार एक अपने स्वामी ओमकारेश्वर स्वामी जी के साथ में गया था एक जगह, हर साल वहाँ जाते थे, उज्जैन के पास एक जगह है, वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर हर साल जाते थे, तो वहाँ हम लोग भी गए थे, एक आदमी ला के मृग चर्म दे रहा था स्वामी जी को, तो उन्होंने कहा भाई मैं ये नहीं लूँगा, वैसे दे रहा था मुफ्त में ही, लेकिन बोले नहीं लूँगा, ये कौन झमेले में पड़े,
तो यहाँ मतलब त्वगम्बर ही सेवन करेगा ऐसा नहीं, यथा संभव, जो जिस जिस प्रकार से संभव है उसको लेके बताया गया है। इसलिए दिगंबर भी कह दिए, सांबर भी कह दिए, त्वगम्बर अगर संभव है तो भले सेवन कर सकता है। तो त्वगम्बरो वा चिदम्बरस्थ, चिदम्बर में स्थित होकर मतलब चिदाकाश में ही निष्ठ होकर के, आत्मा में निष्ठ होकर के ही इस प्रकार से दिखाई दे पड़ सकते हैं ज्ञानी। उन्मत्तवद वापि, उन्मत्त यानी पागल के समान, जिससे लोग जो है दूर रहे, जनसंग की निवृत्ति के लिए पागल के समान भी रह सकते हैं, बालवद वा बालक के समान भी रह सकते हैं, पिशाचवद वा प्रमादी लोगों का संसर्ग न हो, इसलिए पिशाच के समान भी उनका आचरण हो सकता है, चरत्यवन्याम, इस तरह से इन सब रूपों में इस प्रकार से जो है अवनी पृथ्वी में विचरण कर सकते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो ज्ञानी के विषय में कोई नियोग और परियोग नहीं होता, वो तो आत्मस्वरूप में स्थित हो गए, इसलिए प्रश्न और आक्षेप नहीं कर सकते कि भाई तुम ऐसा कैसे रह रहे हो, अथवा निंदा, ये सब ज्ञानी की बनती नहीं है, इसलिए वह किसी भी प्रकार से विचरण कर सकते हैं। तो बालवत् पद उपलक्षण के लिए मैं बता दिया, तो यथासंभव जैसा जो रहेगा उस प्रकार से वो आचरण कर सकते हैं, यहाँ ये दिखाया गया। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।